कोरोना वायरस को लेकर बेगूसराय जिले में स्थिति गंभीर होती जा रही है। जिले में 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और उस गांव को सील करने का आदेश दिया गया है जहां 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दोनों कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति 13 लोगों के संपर्क में आए थे जिनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही डीएम और एसपी ने सदर अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थलीय समीक्षा भी की। वहीं डीएम लगातार जिले में 2 व्यक्तियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जिले के आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि एहतियात के तौर पर मरीज के गांव को सील किया जा रहा है और 5 किलोमीटर इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। डीएम ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन करें और कहीं भी कोरोना का संदिग्ध मरीज लगे तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें। सैंपल भेजे थे, उसमें से 2 व्यक्तियों का कल उसका रिपोर्ट आया है, वो पॉजिटिव पाया गया है। तो हम लोग उनके सभी कॉन्टैक्ट पर्सन की ट्रेसिंग कर रहे हैं और अभी तक हम लोग उसमें कॉन्टैक्ट में 13 आदमी जो उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए थे उनका हम लोग सैंपल कलेक्ट किए हैं, उस सैंपल जाँच के लिए पटना भेज दिए हैं और जो भी उसके लिए कहीं पे पॉजिटिव केस आता है तो उसका जो एसओपी है, जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुरूप हम लोगों ने 3 किलोमीटर रेडियस के पूरे क्षेत्र को उसको अभी सील किए हैं उसको, और प्लस 5 किलोमीटर का बफर जोन भी बनाए हैं और हम लोग टीम गठित करके एक्टिव सर्विलेंस अभ्यास ट्रेनिंग दी जा रही है और अभी थोड़ी देर में उन लोगों का एक्टिव सर्विलेंस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि अगर हम लोगों की टीम कहीं पे जाती है तो उस टीम को सिम्टम्स के बारे में पूरी पूरी जानकारी दें। और अंत में पूरा मैं बेगूसराय के सभी निवासियों से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अगर कहीं भी कोई व्यक्ति जो भी बाहर से आया है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्वयं संबंधित PHC के MOIC को या प्रखंड विकास पदाधिकारी को या अपने SDO को या हमको स्वयं या SP साहब को संपर्क करके सूचित कर सकते हैं। बता दें कि बिहार में कोरोना के 12 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़कर 51 हो चुके हैं। बिहार का सिवान जिला अब कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।